जूही के पौधे में अनेकों आयुर्वेदिक गुण होते हैं। ये एक ऐसा पौधा होता है जिसके नाम पर माता पिता अपनी बेटी का नाम रखना पसंद करते हैं। जूही का फूल दिन में ना खिलकर रात में खिलता है, जो बेहद सुगंधित और खूबसूरत होता है। जूही के फूल को जैस्मिन, मालती, चमेली और रातरानी भी कहा जाता है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में इस फूल को रातरानी का फूल कहा जाता है। जूही का पौधा घर, आंगन और बालकनी में लगाए जाते हैं। गार्डन की सुंदरता में यह पौधा चार चांद लगा देता है। पंडित घनश्याम शर्मा ने बताया कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन जूही के फूल चढ़ाए जाए तो घर में कभी अन्न का अभाव नहीं रहता है, वहीं घर में हमेशा सुख शांति भी बनी रहती है। जूही के फूलों से निकलने वाले तेल से क्रीम, शैम्पू, साबुन जैसे कॉस्मेटिक आइटम्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा इत्र बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जूही के फूलों का तेल बहुत महंगा होता है। यह बालों को मजबूत और घना करता है। जूही के फूलों के अनेकों आयुर्वेदिक फायदे भी हैं। दस्त लगने पर जूही के फूलों का बना काढ़ा पीने से दस्त की समस्या दूर हो जाती है। इसके अलावा यह बालों को सुंदरता और मजबूत बनाता है। भारत में बहुत सारी लड़कियों के नाम भी जूही है। ये इसके क्या इसके भी वाइट फूल आते हैं और इतने सुंदर अच्छे फूल आते हैं। जब इसके फूल आते हैं ना तो ये पूरे गार्डन को महका देते हैं और इसकी महक जो खुशबू है ना वो इतनी शीरीन होती है, इतनी माइल्ड होती है कि इससे एक तो ब्लड प्रेशर कम होता है, ये मतलब कन्फर्म बात है, इसकी खुशबू से ही कम होता है। और जो यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, तनाव में है, तो तनाव में तनाव से मुक्ति भी मिलती है इसकी खुशबू से। और इसके साथ ही यदि आपके घर में है और विंडो से उसकी खुशबू आती है तो ये आपकी निद्रा में भी बहुत अच्छी छाएगी।